देवरानी ने भाभी के पति को ससुरालीजनों से पिटवाया। भाभी पर पति के साथ रखने का शक, ननद को, बच्चों को भी दी धमकी। कलेक्टर से शिकायत। जिले के नरवर में एक देवरानी को उसकी भाभी पर शक है कि वह अपने पति को रखी हुई है। इसी के चलते उसने अपनी भाभी के पति को अपने ससुराली जनों से पिटवाया और जान से मारने की धमकी दी है, जिसकी शिकायत ना होने के चलते आज पूरा परिवार कलेक्ट्रेट पहुंचा। उन्होंने उचित कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार उमराव सिंह कुशवाहा पुत्र प्रेम सिंह कुशवाहा उम्र 34 साल निवासी बायपास रोड वार्ड नंबर 2 थाना नरवर ने बताया कि रोज की तरह धुवाई चौराहे पर सब्जी का ठेला लगाया गया था। 30 सितम्बर की शाम 6:30 बजे पुराने रंजिश के चलते मेरे छोटे भाई अनिल कुशवाहा के ससुराल सुल्तान गाँव के मंगा सिंह कुशवाहा पुत्र दुलवा कुशवाहा केशव कुशवाहा पुत्र मंगा सिंह कुशवाहा रमेश कुशवाहा पुत्र मंगा सिंह कुशवाहा निवासी ग्राम सुल्तानपुर आई और मारपीट करने लगे, जिसके बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की गई। पिछले 1 माह से पीड़ित का मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है। आज पूरा परिवार कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पीड़ित की पत्नी ने बताया कि उसकी देवरानी कहती है कि तू मेरे पति को रखे हुए है, इसलिए तेरे पति को पिटवाऊंगी और बच्चे को भी जान से खत्म करवा दूंगी। इसलिए परिवार ने मांग की है कि जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की जाए। कहाँ से आए हो आप? नरवर से। थाना कौन सा लगता है? थाना नरवर। क्या समस्या लेके आए? समस्या ये है, हमारी सुन नहीं रहे पुलिस वाले। जो बोल रहे हैं कि ना उनने नहीं पीटा, वो तो तुम नॉर्मल है, वैसे झूठ बोल रहे हैं। कितनी जोर से पीटा है, कुछ भी नहीं हुआ। किसने पीटा है? देवरानी के भैया ने। क्यों पीटा है? वो मुझसे कहती है कि ना तू मेरे पति ही रखे, मैं तेरे आदमी पिटवाऊंगी। हाँ, तो दुआई पे ठेले लगाए थे सब्जी का, नहीं है पीछे से आके मारा, चारा बगल से मारे। तीन मोटरसाइकिल। कितने लोग थे? वे थे चार जने, चार जनों ने पीटा। कहाँ से मारो? सरिया, कुलाड़ी, लठिया। आपके पति को मारो? हाँ, हमारे पति को। क्या नाम है? उमराव कुशवा। क्यों तो थाने पे गए आप? थाने पे गई थी, हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी तुमने? जी बोल रही थी कुछ नहीं हुआ, वो तो नॉर्मल है, थोड़ी सी लगी है। दूसरे दिन गए, तीसरे दिन गए, जब लिखी है 2-3 दिन हमें मतलब चक्कर काटे, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। तो आपने इससे पहले एसपी ऑफिस में शिकायत करी थी ना? नहीं, बाद में करी थी। बाद में कोई कार्रवाई नहीं? नहीं, कोई नहीं, कतई नहीं भाई। अच्छा, अब आप क्या चाहते हो? अब जो चाहते है कि उन्हें गिरफ्तार करें। पुलिस वाले गिरफ्तार नहीं कर रहे, कार्रवाई नहीं हो रही है, अभी कतई नहीं सुन रहे हैं, सुन भी नहीं रहे। एमएलसी वगैरह एमएलसी हॉस्पिटल में देरानी घर पे रोजीना गाली बकती है। वह तो ऑटो वो मेरी बोल रही है, धमकी मिलती है आपको? धमकी दे रही होगा, धमकी दे रहे हैं बार बार सब कर रहे हैं। और जो कहती है तेरे मोड़ी मोड़े नहीं उठवाऊंगा, मरवा के पिकवाऊंगी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 लड़के हैं, एक दिव्यांश एक देर। कितने कितने साल के हैं? 1 7 साल का, 1 5 का है। मेरा नाम उमराव सिंह कुशवा है, नरवर से। ना थाने में सुनवाई भाई, एसपी के यहाँ भी लगा दी ना वहाँ भाई, अभी तक अब जहाँ पे आए हैं। कलेक्टर साहब के पास आए, क्या समस्या लेके आए जी? मेरे पास मारपीट कर दी हो, तो बाकी FIR वगैरह भी लिख दी है, तुमने मेडिकल वगैरह नहीं मंगाया अभी। थाने में जाते हैं आपको? एक 5-6 लोग भाई दवाई पे। कौन सा गाँव? नरवर। नरवर में लड़ाई हुई है? हाँ। तो कितने लोगों ने मारा आपको? 4 लोग। क्या क्या नाम है? उनका नाम है, एक का मंगल सिंह है, एक का केशव है, और एक का रमेश है, और एक का वो है रघुवीर कुशवा। ये कहाँ के रहने वाले? ये सुल्तानपुर के हैं। तो कब आते मारा आपको? मेरे को तो कोई पता नहीं, मैं तो दुकान पे था, सब्जी बेच रहा था। की बात है जी, हो गया 1 महीना 6 दिन हो गया आज। थाने गए थे? थाने का थाने का कोई सुनवाई नहीं हुई थाने में। बस आपको कितनी चोट आई? आपका हाथ भी तोड़ दिया? एक हाथ तोड़ दिया, दो पैर तोड़ दिए, और भी फिर भी फूटा है, 7-8 फाँक आए थे जहाँ पर। हमारे पिताजी का नाम प्रेम सिंह कुशवाहा। आप कहाँ के रहने वाले? नरवर के रॉबर्ट। वार्ड क्रमांक 32।